एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंटीजर। जो इंटीजर का टॉपिक होता है वो हमारी क्लास सिक्स और सेवन्थ में होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करिएगा। सो इंटीजर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सो द पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3 एंड द नेगेटिव नंबर -1, -2 और -3 टूगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। समझ में आया, जो भी हमारे पॉजिटिव नंबर है, ये डॉट डॉट का मतलब है कि नंबर जो है वो इन्फिनिटी, यानी कि कोई भी एंड नहीं है, और यहाँ पे भी मतलब डॉट डॉट का मतलब इन्फिनिटी है। तो सारे पॉजिटिव नंबर और सारे नेगेटिव नंबर जीरो के साथ इंक्लूड करके बनाते हैं इंटीजर्स। नोट, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव। जो जीरो है ना वो पॉजिटिव है और ना ही वो नेगेटिव है। इंटीजर ऑन नंबर लाइन, आज की जो वीडियो है उसमें हम सिर्फ इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट जो होता है ऑर्डरिंग और कंपेयरिंग एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, वो हम आगे हमारी जितनी भी वीडियोस आएंगी मैं उनमें एक्सप्लेन करूंगी। सो आज की वीडियो में हम नंबर लाइन पे इंटीजर को कैसे शो करते हैं वही सीखेंगे। सो ये है हमारा जीरो, जो कि ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव है। जीरो के इधर जितने भी इंटीजर्स हैं, या हम ये कह सकते हैं जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। कौन से है? पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो के लेफ्ट साइड जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे कहलाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहाँ पे 1, 2, 3 ये सारे क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स है। सो यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देना चाहती हूं कि हमें ये पता है कि जीरो से इधर जाएंगे, ये जितने भी हम इधर जाएंगे ना, एक एक नंबर जो है बड़ा होता चला जाता है, यानी कि नंबर जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। लेकिन जीरो से इधर लेफ्ट साइड जो हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। डिक्रीजिंग मतलब ये बड़ा, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है। तो जितना नंबर माइनस में होगा, मान लीजिए -100 और -1, तो कौन सा बड़ा है? -1 बड़ा है। तो जीरो से हम जितना इधर ऐसे जाएंगे नंबर हमारे कम होते जाएंगे, यानी कि छोटा होता जाएगा। ठीक है, और जितना ये नेगेटिव नंबर जीरो के पास रहेगा उतने ही नंबर हमारे बड़े होंगे। सेम अपोजिट इस तरह से होता है, जितने नंबर जीरो से दूर होते जाएंगे वो उतने ही बड़े होते जाएंगे। यहाँ पे नंबर बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पे जो नंबर है वो घट रहे होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिनसे हमारा टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो मैंने लिया है, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग्स 5 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? 5 किलोमीटर साउथ। ठीक है, 100 मीटर डाउन, सो इसका अपोजिट क्या होगा? 100 मीटर अबव। ठीक है, अब 5 फ्लोर्स, तो यहां पे हम लिखेंगे अप का अपोजिट डाउन, 5 फ्लोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 प्लस 2 के बीच में हम कैसे लिखेंगे इंटीजर्स वो देखते हैं। देखिए, अब -3 और 2 के बीच में सबसे पहले -3 के इधर चलेंगे तो आएगा आपका -2, -1, 0 को आप जरूर याद रखिएगा, 1 एंड 2। ठीक है, 2 के तो हमें बीच में लिखना था, सॉरी। तो ये जो 4 इंटीजर्स हैं वो -3 और 2 के बीच में आएंगे। इसी तरीके से -8 और 0 के बीच में 7, -6, -5, -4, -3, -2 एंड -1। ठीक है, -15 और -12 के बीच में -14, -13। ठीक है, -5 और 3 के बीच में आपका -4, -3, -2 आपका -1, 0, 1 एंड 2। ठीक है, 0 को आप जरूर याद रखिएगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर ऑन अ नंबर लाइन, हमें नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे शो करते हैं वो सीखेंगे। इस क्वेश्चन में यही बताया है कि आपको नंबर लाइन पर इंटीजर्स को शो करना है। सो यहाँ पे है फ्रॉम -4 टू +4, सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इधर। ठीक है, और हम यहाँ पे 0 से शुरू करेंगे। ठीक है, ना 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3 एंड -4। सो यहां से लेके यहां तक हो गए ये हमारे नंबर्स। ठीक है, ये इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। आप चाहे तो आगे भी नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, 10 तक भी लिख सकते हैं इनको, लेकिन हमें शो करना है सिर्फ इन दो नंबर्स को। यहां पे हमें रिप्रेजेंट करना है -8 से लेके -2 तक, तो यहां पे हमारा 0 मान लीजिए, और क्योंकि हमारे नंबर -8 तक है तो हमें 8 तक लिखना होगा यहाँ पे,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, 4, माइनस 5, 6, 7, 8 और 9. तो हमें माइनस 2 और माइनस 8 को दिखाना था, तो ये जो है नंबर है यहां पर है. ठीक है, ग्रेटर देन माइनस 5 एंड लेस देन 3. अभी ये वाला जो क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग है. कैसे दिखाएंगे, पहले हम नंबर्स जो है लिख लेते हैं यहाँ पे. सॉरी, ये पॉजिटिव नंबर है 2, 3, 4, 5. या माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6. अभी देखो यहां पे क्या बोला है, ग्रेटर देन माइनस 5, यानी कि 5 से बड़ा. अब आप ये सोच रहे हो कि 5 से बड़े इधर, तो नहीं, मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था 5 से इधर नंबर बड़ा होगा ही नहीं, वो इधर बड़ा होगा. ठीक है, जीरो के साइड में. ठीक है, तो ये नंबर बड़े होंगे. ग्रेटर देन 5 यानी कि माइनस 4, 3, 2 और लेस देन 3 मतलब 2. 3 से पॉजिटिव इंटीजर है ये 3, सो इससे कम क्या होगा 2. आप जीरो का ध्यान में रखें, और ग्रेटर देन 5 तो 5 से बड़े होंगे ये नंबर्स. तो ये नंबर यहां पे ये रिप्रेजेंट करेगा, सॉरी 4 से, क्योंकि उन्होंने कहा ना ग्रेटर देन 5, सॉरी, तो 5 को नहीं करेंगे, हम 4 को इंक्लूड करेंगे. ठीक है, 4 से 2. सेम इसी तरीके से लेस देन 2 बट ग्रेटर देन माइनस 7. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए हमारे यहां पे 0 है, सारे नंबर्स माइनस के हैं, तो मैं सिर्फ माइनस वाले नंबर को ही यहां पे मेंशन कर रही हूं. अब इन्होंने लिखा है कि लेस देन 2, 2 से कम होना चाहिए. अब अगर मैं माइनस 1 लेती हूं तो वो बड़ा होगा 2 से. ठीक है, माइनस 1 2 से बड़ा होगा, तो 2 से कम तो ये होगा 3, और ग्रेटर देन 7, 7 से बड़ा ये होगा. ठीक है, समझ रहे हो आप, बहुत ध्यान से समझिएगा कि जितना आपका नंबर बड़ा होगा माइनस में, वो उतना ही छोटा होगा. सिर्फ ये चीज ध्यान रखिएगा, लेस देन 2 मतलब 3, ठीक है, और ग्रेटर देन 7 मतलब 6. ठीक है, 7 से बड़ा होगा 6 और 2 से कम होगा 3. सो ये नंबर हम यहां पे शो करेंगे, माइनस 6, माइनस 5, माइनस 4 और माइनस 3. तो इन दोनों नंबर्स के बीच में ये चार नंबर्स होंगे. ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम सीखेंगे कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग इंटीजर्स. टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.